एक ट्रेंड है, ये एक कल्चर बन चुका हुआ है, ठीक है, ये एक फॉरेन, ये एक अब्रॉड कंट्रीज का कल्चर है जो यहाँ पे डेवलप हो चुका हुआ है। इनको खुद भी नहीं पता कि इनका मकसद क्या है। अगर इनको आज़ादी ना होती, ये यहाँ पे ना होती। आप समझती हैं कि इनके खिलाफ आवाज उठानी, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। औरत मार्च ऐसे होना चाहिए, हर इदारे में जाएं, हर इदारे के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें कि हमें इस अदारे में आज़ादी चाहिए, हमें इस अदारे में हकूक चाहिए। आप खुद जाके देख लें क्या ये घरेलू औरतों वाले लिबास हैं इनके। एक औरत ने साड़ी पहन रखी है, उसका सारा जिस्म नीचे से नंगा है, उसने वो जिसे पंजाबी में कहते हैं शमीज नहीं पहनी। एक है उसने चड्डी पहनी है, एक है उसने खाली जो बनैन घर में मर्द नीचे से पहनते हैं, जिसको हमारे माशरे में जो मर्द अकेली बनैन पहन के घूमते हैं उनको मजबूर समझा जाता है, वो बनैने पहनी हुई हैं। तो ये प्लांटेड है, एजेंडे के तहत लॉन्च की गई औरतें हैं, हम इनके खिलाफ हैं। यहाँ पर ना एक स्लोगन है, उस पर लिखा हुआ है जी खवातीन को, खवातीन को असम्बली पे आना चाहिए। हाँ, मैं कह रही हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खातून, उसके जाने से सारी औरतें चली गई हैं। और भी खवातीन हैं? नहीं तो नहीं गई ना, परवेज ओ भी भाई औरतें जान नाल नहीं गई, 50% जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज़िशार अल्बानी कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड्यूज। से सकते हैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर जो है खवातीन का औरत मार्च जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। खवातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ मर्द लोग भी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से नए स्लोगन हैं और आज का क्या बयान है, क्या कहना चाहते हैं। आइए हमारे साथ रहें। यहाँ पर एक स्लोगन है जी, औरतों के मसाइल मर्द न बताए, ये क्या सीन है, ये भी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? औरत मार्च, औरत मार्च देखने आई हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट देखने आई हैं या सपोर्ट करने आई हैं? सपोर्ट, अगर तो मुझे मकसद समझ आया कि वुमेन मार्च का क्या मकसद है, मैं ज़रूर सपोर्ट करती। लेकिन यहाँ पे मरियम के माँ बाप का है, जैनब के माँ बाप क्या है, कंदील बलोच के बहन भाई, इनका खानदान जो उनको सपोर्ट करना चाह रहा था, ठीक है, जो इंसाफ चाह रहे हैं, इंसाफ चाहने वाले लोग कहाँ हैं? ये तो ऑलरेडी वो औरतें हैं जिनको हकूक मिल रहे हैं, उनको आज़ादी है तो वो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। अगर उनको आज़ादी ना होती वो यहाँ पर भी ना होती। यहाँ पर कितनी देर से आई हैं? मुझे घंटा होने वाला हो गया, मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पर्पस नहीं समझ आ रहा कि वुमेन मार्च का क्या पर्पस, क्या साबित करना चाह रहा। आपको कोई तंग किया? तंग नहीं किया, ठीक है, क्योंकि तंग कैसे, इज्जत इज्जत भी नहीं दी, ना तंग किया ना इज्जत की है। हम अपनी हिफाजत खुद करते हैं, औरत अपनी हिफाजत खुद करती है। और रही बात राइट्स मिलने की, उन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं डाली जाती जहाँ पे हरासमेंट हो रही है, ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस नारे की समझ आई आपको? मेरा जैसा मेरी मर्जी क्या, आप अपनी मर्जी से पहन रहे हो, सब कुछ अपनी मर्जी से करो। जिनको जिनको जिन औरतों को मारपीट की जाती है, जिन औरतों को मारा जाता है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको यहाँ लेके आए ताकि वो यहाँ पे अपना हक मांगे, ठीक है। अरसा से आफिया सदीकी जो है मुल्क पाकिस्तान से गायब है, एक स्लोगन नहीं है जो उनके हक में, कोई भी नहीं है, कोई भी हक में नहीं। समझती हैं कि ये कुछ किसी और प्रोपेगेंडा में चल रही है? ये एक ट्रेंड है, ये एक कल्चर बन चुका हुआ है, ठीक है, ये एक फॉरेन, ये एक अब्रॉड कंट्रीज का कल्चर है जो यहाँ पे डेवलप हो चुका हुआ है। इनको खुद भी नहीं पता कि इनका मकसद क्या है। अगर इनको आज़ादी ना होती, ये यहाँ पे ना होती। आप समझती हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ उठानी, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। औरत मार्च ऐसे होना चाहिए, हर इदारे में जाएं, हर इदारे के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें कि हमें इस अदारे में आज़ादी चाहिए, हमें इस अदारे में हकूक चाहिए। सड़कों पे हकूक नहीं होते, अदारों में हिफाजत होती है, अदारों में हरासमेंट को रोकना चाहिए। इनको चाहिए अदारों के अंदर जाके, अदारों के बाहर जाके जो है ये प्रोटेस्ट करें जहाँ पे इनको फ़ायदा हो, यहाँ इनको कोई फ़ायदा नहीं है। मैडम, एक तरफ आपने देखा कि यहाँ पर खवातीन के जो लिबास हैं, जिस तरह का उन्होंने लिबास पहना हुआ है, अपनी मर्जी कर रही हैं, और औरत मार रही है, ये मर्दों का काम क्या है? मर्द सपोर्ट करने आए हैं, आधे मर्द तमाशा देखने आए हैं, आधे मर्द सपोर्ट करने आए हैं। 100 में से 20% होंगे जो सपोर्ट करे होंगे, ठीक है, उनमें से सॉरी टू से 15% गए होंगे उनमें से, ठीक है, जो अपने हक के लिए निकले हुए हैं। 5% मर्द हैं और बाकी सब तमाशा देखने आए हुए हैं, बाकी सिर्फ तमाशा देखने आए कि यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, औरत मार्च खत्म होगा, खबरों में आएगा फलाह ने फलाह को हरास कर दिया, इतने मर्दों ने इतनी औरतों को हरास कर दिया। औरत मार्च में भी वो तहफ्फुज नहीं है, ठीक है, वो उसमें भी महफूज नहीं है। चलो जी, आप किसके साथ आई यहाँ पे? मैं यहाँ पे अपनी खुद की मीडिया के कवरेज के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, मीडिया कवरेज के लिए? बिल्कुल। कितने अरसे से चैनल पे काम कर रही हैं? अभी साल होने वाला है, फ्रेश न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो मैं उसमें आई हुई हूँ। अच्छा, आप भी मीडिया में काम करती हैं, एक साल हो चुका है,
कभी कोई मसाइल पैदा हुए हैं जिस तरह की इनके पैदा होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ में मैं अपना चैनल भी रन कर रही हूँ, ठीक है। मैं 3 जगह इंटर्नशिप भी गई हूँ। मजाल है कि किसी एक ने भी इज्जत की हो, ठीक है। सबसे पहले लोग हमारा जिस्म देखते हैं, उसके बाद हमसे बात करते हैं। अगर उनको उनका हमारा फिक्र पसंद आएगा ना, तो वो हमें हमारे मुँह पे आएंगे, ठीक है, हमारे पैर भी पड़ेंगे। इस तरह का स्लोगन नहीं आया यहाँ पे, इस तरह के स्लोगन उन्होंने बैन कर दिए। मैं इस तरह के स्लोगन अब नहीं आते यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ एक स्लोगन रखा हुआ है, मेरा जिसम मेरी मर्जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी। तुम लोगों का तुम लोग की मर्जी है। मैंने भी तो ड्रेसिंग अपनी मर्जी से की हुआ ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर औरत मार्च ना भी हो, फिर भी मुझे कोई नहीं रोकेगा। कोई रोकेगा, मैं पुलिस में जाऊँगी, रिपोर्ट कराऊंगी। लेकिन यही बात है ना कि हमारे इदारे ही हमें सपोर्ट नहीं करें। हमारे इदारे हमें सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली हम लोग राइट पे हों। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ है और आप भी औरत मार्च में हैं, आप इनको सपोर्ट करने आई या इनके खिलाफ आई? मैं बताऊं तो मैं तो खुद शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखती हूं और मैं यहां पे कवरेज के लिए आई हूं। लेकिन मैं इस आज़ादी के समझ से बाहर है। मैंने हिजाब में निकाब में अपना काम पिछले 4 साल से कर रही हूं। मुझे किसी किस्म की हरेसमेंट या कोई ऐसी पाबंदी नहीं सहनी पड़ी या कोई ऐसी काम नहीं सहना पड़ा कि जिससे मैं अगेंस्ट जा सकूँ। अदारों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, आज़ादी भी पूरी तरह मिली है, अपने घर वालों ने भी सपोर्ट किया, मर्दों ने सपोर्ट किया। यही लोग मर्दों से आज़ादी मांग रहे, वही मर्द हम औरतों को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ तो वो देख सकते हैं जिस तरह का उन्होंने लिबास पहना हुआ है, जिस तरह मर्जी आई हैं, क्या किसी ने कोई उनको रोका है? नहीं, मुझे आज तक मेरी फील्ड के अंदर किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी मुझे नहीं टोका, किसी ने मेरे हिजाब पर बात नहीं की। आपको लगता नहीं है कि ये किसी और इरादे पे है, किसी और सोच पे है? हाँ जी, वो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में बात होती है, वो औरतों की बात उनकी है जो घर बैठी हैं, वो आई नहीं यहाँ पे। आप साफ़ से तरह रखती हैं, बड़ा ज़बरदस्त शॉप है आपका। कभी आपको कोई परेशानी हो, कभी किसी ने आपको तंग? नहीं, कभी भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर कोई। मेरे सर जो सीनियर्स थे वो बहुत सपोर्टिव है, अब तक वो भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। आज तक मुझे किसी मर्द की तरफ से हरेसमेंट का सामना करना नहीं पड़ा। एक स्लोगन हमने यहाँ पे देखा है और स्लोगन पे लिखा हुआ है जी, खवातीन को असम्बली में आना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब हमारी खवातीन। हाँ जी, हमारी जो वज़ीर आला खातून बन चुकी हैं, वज़ीर आला हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान की, तो वो औरतों के लिए काम नहीं करेंगी भला? उन्होंने किया है आज वुमेन कोटे में, उन्होंने सीटें बढ़ा दी औरतों की, इससे ज़्यादा क्या चाहिए औरत को? काम देंगी ये खातून जा रही है अब कब्र में इसकी देखे, इसकी कब्र में टांगे हैं और इसके स्लोगन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, हर इदारे में औरत मौजूद है, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, ठीक है, फिर वो सारा कुछ छोड़ दो। मतलब आप समझती है कि ये शायद कोई गैर मुल्की एजेंडे पे चल रही है? कहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन इनका माइंड सेट ऐसा लग रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से अब तक तो अपडेट हो चुका है, कुछ बेहतरी आ चुकी है स्लोगन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैडम, अभी आप औरत मार्च को सपोर्ट करने आई हैं? हाँ, और क्या लग रहा है आपको? किस तरह के हकूक चाहिए? जो ये मांग रही हैं वो वाले। आप कौन सा हकूक मांग रही हैं? यही वाले। कौन से? यही जो ये कह रही हैं। आप बता दें कौन से हकूक? अब हमने लिखे हुए दिए हुए, वो पढ़ रही हैं। आपको नहीं पता कौन से हकूक है? आप तो यहाँ पे औरत मार्च में आई है ना। मैं ये कहती हूँ कि जो औरत बर्तन मांजने वाली है वो भी असम्बली में जाए। असम्बली में जाए? हाँ, एक सरमायादार औरत जाती है, एक गरीब बर्तन मांजने वाली औरत भी असम्बली में जाए, एक ड्राइवर भी असम्बली में जाए, एक चरवाहा भी असम्बली में जाए। तो औरत मारते जी, तो यहाँ पर ड्राइवर की बात हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा तबका है, ये तबकाती जंग है। यहाँ पर ना एक स्लोगन है, उस पर लिखा हुआ है जी, खवातीन को असम्बली में आना चाहिए। हाँ, मैं कह रही हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खातून, उसके जाने से सारी औरतें चली गई हैं। और भी खवातीन? नहीं तो नहीं गई ना, परवेज ओ भी भाई औरतों के जान नाल नहीं गई, 50% जानी चाहिए। आप कहते हैं सारी खवातीन जाए, मर्द ना जाए? नहीं नहीं जाए, 50% मरे, 50% औरतें। अच्छा, इसी नाम इस वक्त औरत मार्च मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं औरत मार्च जो है अभी जारी है, सारी है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं और इन्होंने भी उनका स्लोगन उठाए रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने उनका पोस्टर उठा रखा है औरत मार्च का, आप इनके हक में इनके खिलाफ हैं? जो हकीकी औरत के हकूक हैं, असल औरत के हकूक हैं, जो पाकिस्तान के कानून के तहत, इस्लामी कानून के तहत, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उन औरतों के साथ हैं और उनके हकूक की बात करते हैं। लेकिन ये जो मस्टंडी लोंडी लपाड़ी और अध नंगी औरतें हैं, इनके ख़िलाफ़ हैं, ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे। किस तरह, मतलब क्या वजह है, किन किन चीज़ों से आपको इख्तलाफ है?
देखिए मीडिया का ये होता है कि अगले बंदे के मुंह से देखना चाहता है। ये कैमरा एक ऐसा सच्चा पीर है कि इससे सब कुछ देख सकते हैं। आप खुद जाके देख लें क्या ये घरेलू औरतों वाले लिबास हैं इनके। एक औरत ने साड़ी पहन रखी है, उसका सारा जिस्म नीचे से नंगा है, उसने वो जिसे पंजाबी में कहते हैं शमीज नहीं पहनी। एक है उसने चड्डी पहनी है, एक है उसने खाली जो बनैन घर में मर्द नीचे से पहनते हैं, जिसको हमारे माशरे में जो मर्द अकेली बनैन पहन के घूमते हैं उनको मजबूर समझा जाता है, वो बनैने पहनी हुई हैं। तो ये प्लांटेड हैं, एजेंडे के तहत लॉन्च की गई औरतें हैं, हम इनके खिलाफ हैं। और ये जो आज़ादी ये मांगती हैं वो आज़ादी के हम खिलाफ हैं। बाकी जो औरतों के एक्चुअल मिसाल हैं हम उनके साथ हैं। वो औरतों को हकूक मिलने चाहिए, विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए और औरतों को उनकी मर्जी की शादी करनी देनी चाहिए, औरतों को उनकी मर्जी की तलीम हासिल करनी देनी चाहिए, भत्ता के जो उनके बुनियादी मिसाल हैं वो उनको देने चाहिए और जो ये कहती हैं उनसे दूर रखना चाहिए। ये कहती हैं कि खवातीन को असम्बली में आना चाहिए, जबकि हमारी वज़ीर पंजाब खातून है। पाकिस्तान ओपन सिस्टम है, सियासत में कोई भी खवातीन आए उसको कोई मना नहीं है। पिछले इलेक्शन में बेशुमार इलाकों से औरतें जीती हैं, उसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान की इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज हैं। पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर शहीद थी और बहुत सारी खवातीन जो अभी असम्बली में मौजूद है। ये कहती हैं हमारे जैसी नंगी खवातीन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनकी जैसी नंगी किसी औरत को कोई मौका नहीं देना चाहिए।